गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में आज हमारा ये दूसरा दिन है और अभी सुबह के 6 बजे हैं। हम लोग ये टेंट में सोए थे, अपने नींद थोड़ी बहुत आई, थोड़ी बहुत नहीं भी आई, कुल मिला के ठीक रहा टेंट का एक्सपीरियंस। पूरी रात बारिश होती रही, कुछ लगभग 4:30 बजे बारिश बंद हुई है। इतनी ज़ोरदार बारिश थी रात को कि पूरा बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी, बिजली कड़क रही थी और साथ में बारिश की भी शोर था जो मैंने रिकॉर्ड किया था रात को, आप लोगों ने देखा होगा कल वाली वीडियो में। तो काफ़ी एडवेंचरस रही कल की रात जो रही हमारी। अभी फ़िलहाल ये प्लान है कि सुबह हम बनाएंगे कॉफ़ी अपनी और कॉफ़ी बनाने के बाद देखेंगे एक बार जाके जो यहाँ पे इंक्वायरी सेंटर है कि वहाँ पे आज क्या स्टेटस है रास्ता खुलने का। उम्मीद यही है कि रास्ता आज खुल जाएगा तो हम लोग दर्शन करने जाएंगे ऊपर। बाकी देखते हैं क्या मर्ज़ी होती है भोले बाबा की। अब यहाँ तक आए हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा यहाँ से। हाँ जी अदर्श जी। जी भैया, कहाँ हो? बस यहीं पे हैं। कैसे रहा रात का सफ़र? बहुत ही अच्छा, मज़ा आया। चलिए बनाते हैं कॉफ़ी, कुछ जाएगा फिर पेट में, थोड़ा पेट भरेगा। तो जी करें शुरू। जय शंकर की। आपकी मुस्कुराहट के फैन हो जाएंगे लोग। तो गाइस कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग गए इंक्वायरी सेंटर पे सोनप्रयाग के, जहाँ से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है यात्रा का। और वहाँ जाके पता लगा कि अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि केदारनाथ की यात्रा जो ट्रैक था उसको रिपेयर कर दिया गया है और यात्रा शुरू हो गई है दोबारा से। तो इतना ही काफ़ी था हम लोगों के लिए, हम पहले ही एक दिन वेट कर चुके थे तो हमारी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं था। तो हमने क्या किया कि फटाफट वापस आए और अपना टेंट पैक किया और सारा जो भी हमारा लगेज था, जो एक्स्ट्रा लगेज था, वो हमने क्लॉक रूम में रख दिया और अपने रेन वियर्स और कैमरा गियर्स लेके हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकल गए। बारिश शुरू हो चुकी थी तो जैसे भी जो भी आगे की रिकॉर्डिंग रही, जो भी पूरे दिन का मेरा ट्रैकिंग रहा, वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। गाइज हम लोगों ने ट्रैकिंग शुरू कर दी है अपनी और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सीधा अभी शुरू कर दिया। अब सीन क्या है कि 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है क्योंकि जो रास्ता सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ जाता है वो रास्ते पे भी लैंडस्लाइड हुई है और वो रास्ता टूटा हुआ है। तो वहाँ से पहले तो शेयरिंग पे टैक्सीज मिलती थी पर अब वो रास्ता भी पैदल ही कवर करना पड़ेगा जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी उसी ट्रैक पे हैं, अभी गौरीकुंड भी नहीं पहुँचे हैं। गौरीकुंड पहुँचने के बाद फिर हमारी केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू होगी और इस रूट पर भी काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हो रही है तो काफ़ी सावधानी से ध्यान रख के हमें चलना पड़ रहा है। बंदोबस्त कुछ ऐसा है अभी चलने का, छाता, रेनकोट, मेरा स्लीपिंग बैग मेरे हाथ में। गाइस जी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई हुई है और हो भी रही है अभी भी, तो बड़ा संभल के निकलना पड़ रहा है। ये पूरी लैंडस्लाइड हुई है रात को यहाँ पे। भाई जी खड़े नहीं हो ना, भाई खड़े हो नहीं हो रहा। ये देखिए, तो गाइस यहाँ से लोगों को भाग के निकलना पड़ रहा है। मैं भी अभी भाग के आया हूँ क्योंकि ऊपर से गिर रहे हैं पत्थर। हर हर महादेव। अभी यहाँ से चढ़ के जाना है। तो दोस्तों भोलेनाथ की कृपा से गौरीकुंड से जो केदारनाथ की तरफ जो ट्रैक जाता है उस रास्ते पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं और हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। इससे पहले भी अभी 5 किलोमीटर हम लोग पैदल ही चल के आए हैं क्योंकि सोनप्रयाग से जो रास्ता जाता है गौरीकुंड के लिए 5 किलोमीटर, वो वैसे तो टैक्सी से कवर किया जाता है पर वो फ़िलहाल बंद है। आप लोगों ने देखा ही पीछे शॉर्ट्स में कि अभी क्या हालत है पीछे की। तो यात्रा हमने शुरू कर दी है, बाकी जो भी सिचुएशन रहेगी पूरे रास्ते की वो मैं अपने इस ब्लॉग में कवर करता रहूँगा। ये रास्ता है अभी
गाइज ये नीचे गौरीकुंड है जिसमें कि गर्म पानी आता है, सल्फर वाटर। तो यहाँ पे लोग नहा के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और साथ में चल रही है मंदाकिनी नदी और यहाँ पे हमारे आदर्श भाई। तो आज शाम को हमारा केदारनाथ में ही रुकने का प्लान है, बाकी की बातें करते हैं आगे रास्ते में। भाई नज़ारे देख रहे हो आपको, एक तो ये वेदर अभी सुबह के लगभग 12 बजे है और कुछ 1.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और एक बीच में बहुत सुंदर सा वाटरफॉल आया। अभी पैदल ट्रैकिंग करने का भी एक अपना अलग मज़ा है। वैसे घोड़े के जो चार्जेस हैं वो 2300 रुपये हैं जो यहाँ के गवर्नमेंट के फिक्स रेट है, पर अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से 1500 या 1000 रुपये में मान जाते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। वो ऊपर से आ रहा है झरना और ये नीचे हमारी मंदाकिनी नदी। चलो बोलो शंकर भगवान की। अब क्या है कि रास्ता काफ़ी अच्छा बना दिया है, पक्का रास्ता है कुछ इस तरह का। तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग मंदिर पे पहुंच के भी कैंपिंग ही करेंगे आज रात को, उसके लिए मेहनत की जा रही है। एक बैग आगे एक बैग पीछे, स्लीपिंग बैग इधर, ये भाई लोग भी दो दो बैग इन्होंने लिए हुए हैं, टेंट जो है ये कैरी कर रहे हैं। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं आज, आप लोगों के लिए अच्छा कॉन्टेंट आएगा केदारनाथ में ट्रैकिंग के साथ कैंपिंग का। क्या कहना चाहेंगे? भोले बाबा का आशीर्वाद है। बिल्कुल सही कहा, संभव होगा गाइस, ये शिवजी जी का आशीर्वाद ही समझिए हम पे कि हम लोग 2 दिन रुकने के बाद आज ट्रैकिंग कर पा रहे हैं। रास्ता आप लोगों ने देख लिया पीछे के कैसे हालात थे, उसके बावजूद हमारा बुलावा आया तो हम लोग जा रहे हैं आज दर्शन करने के लिए। बाकी सब भोले बाबा की मर्जी। तो गाइज हम लोग अभी रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए, अभी डिस्टेंस काफ़ी है, लगभग 12-12.5 किलोमीटर बचा है। तो अब एक ये फ़ायदा है इस ट्रैक पे केदारनाथ के रास्ते पे कि एक तो रोड इस तरह का बनाया हुआ है, आपको पूरा रास्ता ऐसा मिलेगा आगे तक, पक्का रास्ता है। दूसरा ये कि जगह जगह पे इस टाइप के शेड बनाए हुए हैं ताकि अगर बारिश आ रही है तो आप लोग इस शेड के नीचे आ सकें। चलिए फिर चलते हैं आगे, चाय पिए अभी, चाय ख़त्म, बाकी मिलते हैं अगले पॉइंट पे। तो गाइज ये वो ब्रिज है जहाँ पे हमारी केदारनाथ मूवी की शूटिंग हुई थी, तो अभी ये ब्रिज क्रॉस करना है हमें, उसके बाद फिर ये ऐसे रास्ता ऊपर तक जा रहा है। और देखिए पूरा फॉग है अभी और 3 बजे के आसपास का टाइम है अभी। कैसा लग रहा है आदर जी? बहुत अच्छा, अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग पास आते जा रहे हैं, 10 किलोमीटर रह गया अभी केदारनाथ। भोलेनाथ का आशीर्वाद है यही कि हम लोग यहाँ तक भी आ पाए। और अब ये देखिए सामने का नज़ारा, लोकेशन है ये, बहुत ही ज़्यादा नीचे है और ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। गाइस धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं बाबा के दरबार तक। हर हर महादेव, हर महादेव। जैसे जैसे मंदिर नज़दीक आता जा रहा है हम लोगों की एनर्जी और बढ़ती जा रही है। अभी तक हम 11 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और इतना ही अभी और चलना है। गाइस हमारे सफ़र का एक और साथी हमें मिल गया साथ में, ये देखिए ये लगभग पीछे से 3 किलोमीटर से हमारे साथ है। ये पहाड़ की देसी नस्ल होती है, देसी नस्ल का डॉग है जिसको भूटिया कहते हैं, आपने पहले भी देखा होगा मेरे चोपता वाले व्लॉग में। और अभी जो मंदिर है केदारनाथ बाबा का वो यहाँ से है,
6 किलोमीटर पूरा। 15 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। हाँ। पैरों की हालत ऐसी है जैसे पैर है ही नहीं। और बस ये शुक्र है केदार बाबा का कि रास्ते हमें अभी तक सारे ऐसे मिले जहाँ से गौरीकुंड से ट्रैकिंग शुरू हुई थी, पूरा ही ट्रैक ऐसा मिला। हिमांशु जो साथ में मेरे भाई आया था वो घोड़े से जा चुका है ऊपर, तो क्योंकि सामान भी ज़्यादा था हमारे पास, अभी भी है देखिए बैग मेरे पास पीछे, आदर्श के पास भी है, तो भाई को भेज दिया था हमने सामान लेके। हम दोनों लोग पैदल जा रहे हैं, ये हमारे साथ चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं ऊपर। अभी थोड़ी टफ चढ़ाई है, टफ ट्रैक है, यहाँ पे 6 किलोमीटर है अभी। जय भोले की, जय भोले। नज़ारे देखिए, अभी थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ है, उससे पहले पूरा फॉग था यहाँ पे। नीचे से नदी जा रही है मंदाकिनी, चलो। तो गाइज़ फाइनली हम लोग केदारनाथ मंदिर तक पहुंच चुके हैं अपना पूरा ट्रैक करके। और आज ये जितना लंबा ट्रैकिंग था इतनी मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं की इससे पहले, क्योंकि मुझे 5 किलोमीटर और भी एक्स्ट्रा चलना पड़ा हमें, क्योंकि वहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, हिमांशु को हमने भेज दिया था खच्चर के ऊपर, तो ये कुछ सामान इसके पास ये ले आया था जो थोड़ा हैवी हैवी था, जिसमें कि ये टेंट था हमारा। अब आप देख ही रहे होंगे कि आज भी हमने कैंपिंग की है, लाइट लगी हुई है ऊपर, और हम ये फिर से मैगी बना रहे हैं आज देखिए। तो रात को अभी हम लोगों का प्लान है कि हम मैगी खाएंगे और टेंट में सोएंगे। ये हमने कंबल यहाँ से रेंट किया है, बाकी मैट्स हम लेके आए थे नीचे से। कुल मिला के ये रहा कि आपको एक बार शुरू से बता देता हूँ थोड़ा ट्रैक के बारे में कि ट्रैक की कंडीशन कैसी है। देखिए रास्ता बहुत अच्छे से बनाया है अब की बार, आपदा जब यहाँ पे आई थी उसके बाद रास्ता बहुत अच्छे से बनाया गया है। बस ये है कि थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है, तो आपको हमेशा चढ़ाई 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 करते हुए ही आना है यहाँ तक। 16 किलोमीटर का ट्रैक है जैसा यहाँ पे साइन बोर्ड बताते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने आज ये कैंपिंग का सेटअप किया कहाँ पर है। हम बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के साथ में हैं, हमने परमिशन ली यहाँ पर कि हम यहाँ कैंपिंग कर लें आज रात। तो आपको दिखाता हूँ एक बार, आरती के टाइम तक मैं पहुंच नहीं पाया था पर मेरा भाई हिमांशु आ गया था, तो आप लोगों को मैं आरती के शॉट्स भी दिखा दूंगा कुछ इस वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कैसा रहता है यहाँ पे शाम के टाइम आरती का टाइम। उसके बाद अब कल मैं कोशिश करूँगा कि सुबह अगर हो पाया, अगर पॉसिबल हुआ, यहाँ पे परमिशन मिल पाई, तो मैं कहीं दूर से आसपास से थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स लेने की कोशिश करूँगा इस मंदिर के आसपास के। तो वो अगर ले पाया तो आपको कल सुबह की वीडियो में देखने को मिल जाएगा गाइस। और बाकी ये कि महादेव के चरणों में आज हमने कैंपिंग की है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पहुँचा ऐसा लगा जैसे कि स्वर्ग में आ गए हैं, सीरियसली स्वर्ग है। बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचते हैं अगर आप पैदल आते हैं तो, उसके बाद जब दर्शन होते हैं मंदिर के तो आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, बहुत अच्छा एहसास होता है। आदर्श जी से भी पूछते हैं एक बार कि आदर्श कैसा लगा आपको यहाँ पहुँचने के बाद, अपना एहसास बताइए एक बार। ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस था मेरा, और बारिश हो रही थी, मौसम तो बहुत अच्छा था, चारों तरफ इतना फैंटास्टिक व्यू था, मेहनत तो लगा। हाँ। तो हम फाइनली पहुंच गए यहाँ। पहुंचने के बाद सारा थकान मिट गया जब हम लोग एक बार मंदिर देख लिया। बाकी एक बार देखेंगे अगर सुबह आरती यहाँ पे होती होगी तो, हम तो बिल्कुल मंदिर के बगल में ही है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मंदिर यहाँ से कहाँ है।
तो गाइज़ आपने देख लिया कि हम कितने पास में हैं केदारनाथ मंदिर के। तो ये हमारे ऊपर एक आशीर्वाद है कि हम दो दिन इंतज़ार करने के बाद हमें बाबा के दरबार तक आने का मौका मिला और ऐसी लैंडस्लाइड के बाद भी उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत ही अच्छा एहसास है और उसके बाद हमें बाबा के चरणों में कैंप करने का मौका मिला। आज यहीं पे हम सोने वाले हैं रात को। और बस यही है गाइज़ आज की इस वीडियो के लिए। और अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स हों इस वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे फोटोग्राफ्स पूरे इस ट्रिप की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी सब बढ़िया है, आपको कल मिलता हूँ सुबह, क्योंकि आज ट्रैकिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग। अभी फटाफट मैगी खा के हम लोग सो जाएंगे। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दीजिए भाई लोगों, बाय बाय बाय।